कॉन्सेप्ट टेस्ट वन, ये क्वेश्चन को टाइम लेके खुद सॉल्व करें. मैच ईच साइड ऑन द लेफ्ट साइड विद द सेम सेट ऑन द राइट साइड. आपको लेफ्ट और राइट साइड को मैच करना है. आपको यहाँ पे इवेल्युएट करना पड़ेगा कि कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म कौन से रोस्टर फॉर्म को मैच करता है. आइए सॉल्यूशन देखते हैं. फर्स्ट सेट, x belongs to n such that x square is less than 25. हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स n में 1, 2, 3, 4 ही ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर लेस देन 25 होता है, क्योंकि n इक्वल टू 5 का स्क्वायर तो 25 होता है. बल्कि यहाँ पे लिखा है कि x square को लेस देन 25 होना है, इसलिए फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर्स विल बी द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. हेंस इसका रोस्टर फॉर्म हो गया कर्ली ब्रैकेट्स में 1, 2, 3, 4. तो फर्स्ट मैच करेगा d से. सेकंड देखते हैं, x belongs to n natural numbers where x is a prime number and x is between 10 and 20 excluding both. हमको ऐसे natural numbers बताने हैं 10 और 20 के बीच में जो कि prime numbers हों. अगर हम 10 से 20 के बीच में सारे numbers देखें तो वो होंगे 11 से लेके 19 तक. अब इनमें से हमको prime numbers pick करने हैं तो वो होंगे 11, 13, 17 और 19. तो roster form में हो गया ये 11, 13, 17, 19, which is option C. थर्ड देखते हैं, 3, 6, 9, 12, डॉट डॉट डॉट. आप नोटिस करेंगे कि डॉट 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 का मतलब होता है कि ये इनफाइनाइटली आगे कंटिन्यू हो रहा है. आइए सीरीज को इंटरप्रेट करते हैं. 3 इक्वल टू 3 इंटू 1 है, 6 इक्वल टू 3 इंटू 2 है, 9 इक्वल टू 3 इंटू 3 है और 12 इक्वल टू 3 इंटू 4 है. अगर हम राइट साइड में देखें तो ये पैटर्न बन रहा है 3 इंटू 1, 2, 3, 4. हेंस हम कह सकते हैं x बराबर 3n, जहां पे कि n बिलोंग्स टू z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स. तो ये हो गया ऑप्शन ए. फोर्थ देखते हैं, 1, 4, 9, 16 से लेके 100 तक. आप नोटिस करेंगे कि ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हैं. 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16. ऐसे करके 10 स्क्वायर इज 100. तो हम कह सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, जहां पे कि n 1 से 10 के बीच में है, बोथ इंक्लूडेड. तो ये हो गया ऑप्शन बी. आइए इस टॉपिक की समरी देख लें. सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. If A is the element of set A, तो हम लिखते हैं A belongs to A. If B is not the element of set A, तो हम लिखते हैं B does not belong to A. सेट को रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म होते हैं. रोस्टर फॉर्म, जहाँ पे कि सारे एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट्स के या ब्रेसेस के बीच में लिखे होते हैं सेपरेट बाय अ कॉमा. और सेट बिल्डर फॉर्म, जहाँ पे कि हम एक कंडीशन लिखते हैं जो कि उस सेट के एलिमेंट्स पे अप्लाई होती है.